माई नेम इज़ अपूर्व झा. आई गॉट 653 मार्क्स और 3884 रैंक. मैंने VMC साउथ एक्सटेंशन ब्रांच ज्वाइन किया था और मेजर गाइडेंस मेरे को टीचर्स से मिली है, पेरेंट्स एंड मेरे को फ्रेंड ग्रुप अच्छा मिला था, तो यस पीयर्स ऑल्सो. सबसे मेजर चीज़ जो मैंने वहाँ पे सीखी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स एग्ज़ाम्स. बहुत सिंपल और बहुत सेम चीज़ें होती है, बस आप लोगों को फोकस और NCERT को लाइन बाय लाइन रीड करना, वो एक बहुत मेजर चीज़ है. तो ट्रस्ट योर टीचर्स एंड ट्रस्ट योर बुक्स. स्टडी प्लान का होना बहुत ज़रूरी है. मेरे हमेशा से दिमाग में मेंटालिटी ये रखी थी मैंने कि नीट की तैयारी करना इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट. मैं एक दिन 12 घंटे पढ़ के दूसरे दिन बिल्कुल ना पढ़ूँ, उससे बेटर मैं एक दिन 5 घंटे पढ़ के वो पूरा हफ्ता 5 घंटे पढ़ूँगा, तो बेटर रहता है. क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी हमेशा होता है. जितने भी बच्चे मुझसे आप भी पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो मैं वो नहीं बता पाता क्योंकि एक डिफाइंड शेड्यूल नहीं था. गोल सेट करता था, इस दिन में मुझे ये करना है, वो प्लान होता था कि वो दिन स्मॉल गोल सेट करके कि वो करना है, वो ख़त्म हो गया, अच्छा फील होता था, नहीं ख़त्म हुआ बैकलॉग में जाता था. तो सेट स्मॉल गोल्स एंड ट्राई टू अचीव. नीट एस्पिरेंट्स के लिए एडवाइस है कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी अपनी तैयारी की, मेरे फर्स्ट नीट में 280 मार्क्स आए थे और अभी मेरे 653 हैं. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग कर सकते हो बहुत आसानी से. बस NCERT करो, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो, इंटरेक्ट करो. तुम अगर 400 नंबर भी ला रहे हो या 600 नंबर भी ला रहे हो या 200 नंबर भी ला रहे हो, वो टीचर्स तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार और उतनी गाइडेंस देंगे जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए. एट VMC ये तो मैंने देखा है, सेग्रीगेशन नहीं होता मार्क्स के बेसिस पे, और वो चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी है क्योंकि मैं एक 200 वाला बच्चा था और 600 वाली जर्नी में मेरे को टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला VMC और NCERT को भगवान मानो.